पिछले वीडियो में मैंने आपको जौनपुर का शाही किला भी दिखाया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको जौनपुर का शाही पुल और राजमहल भी दिखाने वाला हूँ। और गाइस अभी हमने किला तो घूम लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं शाही पुल की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। तो अभी हम चलते दिखाते हैं यहाँ का शाही पुल। और अभी गाइस हम लोग आ गए हैं शाही पुल के ऊपर और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का प्यूरा व्यू। और हमारे पीछे अभी आप देख रहे होंगे गोमती नदी इसके नीचे से जा रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं और यहाँ के बारे में, इस ब्रिज के बारे में हम आपको बताते हैं। नगर के दो भागों में विभाजित करने वाला गोमती नदी पे बने ऐतिहासिक शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में उनके आदेशानुसार सन 1564 ईस्वी में मुइन खान ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का अनूठा पुल है और इसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर निर्मित है। पुल की चौड़ाई 26 फीट है जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुंडेर है। दो ताकों के संधि स्थल पर गुमतियां निर्मित है। पहले इन गुमतियों में दुकानें लगा करती थी। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है जो अपने अगले दोनों पंजों पर हाथी को पीठ पर सवार है। कहा जाता है कि एक बार अकबर बादशाह जौनपुर आया तो शाही किले में निवास के दौरान वो गोमती नदी में नौका विहार को गया जहां उसने देखा कि एक औरत चादर में मुंह छुपो रही है। जब उससे उसके रोने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वो गोमती के उस पार से सूद बेचने आई थी लेकिन शाम को देर हो जाने के कारण नाव वाला चला गया। वो अपने दो छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी जो अब अकेले हैं। अब वो किस हाल में होगी यही सोच के रो रही हूँ। बादशाह अकबर ने तुरंत उसे नाव पे बिठा के गोमती उस पार पहुँचा दिया और आदेश दिया कि दुखियों और विधवाओं के लिए नाव का प्रबंध किया जाए और मुनीम खान को आदेश दिया कि यहाँ गोमती पे एक पुल बनाया जाए जो जौनपुर इस पार को उस पार से जोड़े और पुल ऐसा मजबूत बने कि कयामत तक टिका रहे। अभी हम आए हैं जौनपुर के शाही महल को देखने के लिए और अभी देख रहे हैं ये हमारे पीछे बहुत ही अच्छा खूबसूरत ये महल है। यहाँ के राजा ने इस महल को काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाया हुआ है। पहले ये महल था, अब इसको किसी ने ख़रीद लिया तो ये मैरिज लॉन इसको बनवा दिया गया है। तो अभी हम आपको इस महल को दिखाते हैं और ये महल मतलब यहाँ पे जो भी शादियाँ होती है काफ़ी महंगी शादियाँ यहाँ पे होती हैं। तो गाइस अभी हम आपको पूरा व्यू अच्छे से दिखा देते हैं इस महल का। और गाइस आपको बता दें जौनपुर में जो भी शादियां होती हैं सबसे महंगी शादियां यहां पे होती हैं। और ये काफ़ी पुराना महल है और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव महल है, यूनिक एकदम। और हमारे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया हुआ है यहां के लॉन को।